गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तनुजा विष्ट फोर क्लास एलकेजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हिंदी में वर्णमाला में हमने पढ़ा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली और ई से ईख, उ से उल्लू और उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी। ठीक है बच्चों, आज हम इसको फिर दोबारा से दोहराते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये क्या है बोलो तो, ये क्या है बच्चों? उसे उल्लू, क्या है? उसे उल्लू, ये रात को चलता है। ठीक है, रात को उड़ता है ना। हाँ, और इसका कलर है ब्राउन, इसका कलर भूरा है, भूरा। हिंदी में भूरा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन। ठीक है, और अब आया उसे उसे ऊन, उसे ऊन, है ना। इसका कलर कैसा है? बेबी पिंक, पिंक कलर का है ना। ठीक है बच्चों, और इसमें सिलाई भी लगी है जिससे ऊन से बनाए जाते हैं स्वेटर, टोपी वगैरह सब चीज, इसे मोजे इससे बनाते हैं हमारी मम्मी लोग, है ना बच्चों? ठीक है, और आया ये किस चीज का चित्र बना रखा है बताओ तो, ये किस चीज का चित्र बना रखा है बताइए? ऋषि ऋषि, ये किस चीज का चित्र है? ऋषि ऋषि। ठीक है बच्चों, ये बाबा, हमारे वहां हम लोकल उसमें बोलते हैं बाबा, बाबा जी आगे कहते हैं, है ना। ये मंदिरों में बैठते हैं और अच्छे ऊंची ऊंची चट्टानों में बैठते हैं और शांत उसमें, और वो योग करते हैं। ठीक है, और ये किस चीज का चित्र है बताओ तो? ए से एड़ी, ये है ए से एड़ी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मैम फिर पूछेंगे आपसे। ठीक है, आज आप इसको हम लिखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ये किस चीज का चित्र है? उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, एक मिनट हाँ, उसे उल्लू। ठीक है बच्चों, ये किस चीज का चित्र है? उसे ऊन। अब हम लिखेंगे यहां उसे ऊन, उसे ऊन, उसे ऊन। ठीक है, हमने लिख दिया, आप भी साफ साफ लिखेंगे। ये किस चीज का चित्र है? ऋषि ऋषि, ऋषि ऋषि ऋषि, आप भी इसी प्रकार से
पहले पिक्चर बनाएंगे फिर लिखेंगे, ठीक है? उसके चित्र के सामने लिखेंगे। जैसे आप इसको हम दोहराते हैं, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे ऊन, उसे ऊन, रीसे रीसी, रीसे रीसी, ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी, ठीक है? आप भी इसी प्रकार से पहले लिखेंगे, फिर पिक्चर भी बनाएंगे और फिर उसको 5 बार दोहराएंगे। ओके, थैंक यू।